महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सरकारी अधिकारियों ने बातचीत की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से विधायक अबू वासिम आजमी और भिवंडी के विधायक रईस शेख ने मुलाकात कर शरद पवार से बकरी ईद की समस्या बताई। आज समाजवादी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र अध्यक्ष विधायक अबू वासिम आजमी ने ईद उल अधा में कुर्बानी के विषय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात में महाराष्ट्र राज्य में कुर्बानी के बारे में लोगों में जो भ्रम और बेचैनी का माहौल है उसे सुलझाने के लिए कहा गया। इसी सिलसिले में आज शाम 5:30 बजे सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। इस वक्त अबू आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि कुर्बानी के इस मसले पर कोई फैसला किया जाए जिसे सभी लोग कुर्बानी मना सके। इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख भी मौजूद थे। हम पिछले कई दिनों से बकरीद में कुर्बानी के लिए सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, पूरे अधिकारियों से संपर्क में हैं और बार बार उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि बकरीद में कुछ ऐसे गाइडलाइंस तैयार कीजिए जिसे हम लोग बकरीद भी मना सकें और हम जो हैं ये वबाई बीमारी कोरोना से एहतियात बीमारी हो सके। भाइयों, हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, हमने सरकारी अफसरों से बताया कि भाई सब्जी कई सौ ट्रक रोज आती है, फ्रूट कई सौ ट्रक रोज आता है, मछली बाजार चल रहा है, दुकानों पे दुकानें खुल चुकी हैं, चारों तरफ जो है बाजार लगा हुआ है और उसके बाद 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अयोध्या में जाकर के शिलान्यास कर रहे हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें भी बकरीद मनाने का हक है और हम पूरा का पूरा एहतियात करेंगे। बकरीद में किसानों को 300 करोड़ रुपए का फायदा होता है। बकरीद में जो गोश्त आता है वो गरीबों को बांटा जाता है। इन सब चीजों को लेकर कोशिश किया लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दिया जिससे हम मुतमईन हो सकें। आज सुबह से मुझे कम से कम 250 से 300 लोगों का फोन आया कि लोगों के बकरे, लोगों के जानवर हर जगह पर कहीं टोल नाके पर, कहीं ज़कात नाके पर, कहीं बॉर्डर्स पर रोके जा रहे हैं। मैं आनंद फानन अपने दूसरे नगर अपने एमएलए रईस शेख को लिया और हमने शरद पवार साहब से मातहत मांगा और मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने फटाफट टाइम दिया और 10:30 बजे हमारी रईस की उनसे मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने सारी हमारी परेशानियां सुना और उन्होंने आज 5:30 बजे सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं उनको बुलाया है। 5:30 बजे हम जा रहे हैं, शरद पवार साहब उसमें रहेंगे। हम सारे लोगों की परेशानियों को देखते हुए, कुर्बानी में क्या होना जरूरी है, इन सब चीजों को देखते हुए हम अच्छी तरह से पूरी मिल्लत की तरफ से हम लोग बात करेंगे। आप दुआ कीजिए उसमें कामयाबी हो। मुझे सुबह से फोन आ रहा है, मैंने किसी को अपना नंबर नहीं दिया है कि आप हम मदद करेंगे। हम क्या मदद कर सकते हैं जब तक सरकार कोई गाइडलाइन नहीं बनाए। आप दुआ कीजिए कि 5:30 बजे हम लोग जब आदरणीय शरद पवार जी के साथ इन ऑफिसरों से मिलेंगे तो हम ऐसा कोई गाइडलाइन बना सके, ऐसी कोई एसओपी बना सके ताकि लोगों को कुर्बानी करने में आसानी हो सके। मैं आपका भाई अबू वासिम आजमी।